कि अब एक घोड़ा हमने 5.5 लाख का मंगाया था, बात हो गई, सब हो गई, उसके यहाँ पे नासूर था, धोखा दे के ले आए घोड़ा। भाई हम सच्चे हैं, हम दूसरे को भी सच्चा समझते हैं, भले साला जितना बड़ा झूठा हो। आजकल पैसा कोई नहीं वापस करता। अब वो 1.5 लाख रुपए का बेचा, मतलब वीडियो आपने देखा उसको मौके पे जाके चेक? अरे भाई हमने वीडियो देखा, आदमी का ईमान ही तो है सब कुछ। वो महबूब भाई लाखा थे, उनका घोड़ा था भुज पे, ठीक ठाक आदमी है। अब उनको उनके नहीं मालूम हुआ या क्या हुआ, भाई घोड़ा तो यही कहा जाएगा ना कि महबूब भाई लाखा का था और वो गौस खान ने खरीदा और उसके यहाँ आके नासूर निकला। अब उनको हम वीडियो भेज रहे हैं, वीडियो कॉल, ये देखिए भाई यहाँ पे नासूर है, 24 घंटे हुआ, कहीं यहाँ तो नहीं था, रास्ते में हो गया होगा। अबे बताओ घाव हो सकता है, नासूर हो जाएगा साला, 24 घंटे में नासूर हो सकता है। सरफराज भाई भी खूब बोले कि यार नासूर का तो पहले बताना चाहिए था। घोड़ा कभी वीडियो पे नहीं लेना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आसिफ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डाउन टाउन ब्लॉग। एक बार फिर हम एक बहुत ही शानदार जगह पर हैं। ये लखनऊ से करीब 30 किलोमीटर दूर पर मौजूद मलिहाबाद इलाका है। ये इलाका तमाम दुनिया भर में आम के लिए मशहूर है, लेकिन एक और चीज़ है, एक और शख्स है जिसकी वजह से ये इलाका काफ़ी फेमस है, और वो है ख्वाजा मोहम्मद गौस खान। और भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका डाउन टाउन ब्लॉग पर। अब एक घोड़ा हमने 5.5 लाख का मंगाया था, बात हो गई, सब हो गई, उसके यहाँ पे नासूर था, धोखा दे के ले आए घोड़ा। अब घोड़ा यहाँ आ गया, पैसा खाते में डलवा चुके, क्या कर सकते। आजकल पैसा कोई नहीं वापस करता। अब वो 1.5 लाख रुपए का बेचा, मतलब वीडियो आपने देखा उसको मौके पे जाके चेक? अरे भाई हमने वीडियो देखा, आदमी का ईमान ही तो है सब कुछ। भाई हम सच्चे हैं, हम दूसरे को भी सच्चा समझते हैं, भले साला जितना बड़ा झूठा हो। अगर हम झूठे होते तो दूसरा चाहे जितना सच्चा हो हम उसको झूठा समझते हैं। खैर वीडियो दिखाई गई, अच्छा था घोड़ा, खाते में पैसा दे डाला, रमजान ने लादा, भूज के हैं लाद के वो लिए यहाँ चले आए। यहाँ जो देखा तो घोड़े के इस जगह पर घाव अंदर तक की, नासूर, तमाम घोड़े। घोड़ा कभी वीडियो पे नहीं लेना चाहिए, या तो ले, अब जैसे भवानी है राजस्थान में है, वो हमको वीडियो भेज दे या ना भी भेजे, खाली फोन कर दे, गौस भाई ये घोड़ा तुम्हारे लिए भेज रहे, बहुत अच्छा है वो घोड़ा। कुछ लोग होते हैं जिनकी बात जो होती है वजनदार होती है, घोड़ा जब ले अपनी आंखों के सामने से ले। कुछ दो चार दोस्त यार हैं अपने, मतलब उन पे भरोसा है, आपकी मतलब घोड़ा खरीद फरोख्त मतलब खरीदने के दौरान भी आपके साथ धोखा हुआ है? हाँ तो भाई बिल्कुल हुआ है। ये बताइए, मैं आपको 5.5 लाख रुपए की चीज लूं, उसके यहाँ पे घाव है 2 साल 1.5 साल या 1 साल पुराना, तो आपका फर्ज क्या है कि भाई देखिए घोड़ा आप ले रहे हैं, अच्छा चलता है सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे घाव है, नासूर है उसके, तो आपका फर्ज है ना बताया जाए हमको। वो महबूब भाई लाखा थे, उनका घोड़ा था भुज पे, ठीक ठाक आदमी है। अब उनको उनके नहीं मालूम हुआ या क्या हुआ, भाई घोड़ा तो यही कहा जाएगा ना कि महबूब भाई लाखा का था और वो गौस खान ने खरीदा और उसके यहाँ आके नासूर निकला। अच्छा घोड़ा यहाँ है कि नहीं? घोड़ा जब यहाँ पर आ गया तो आपको कितने वक्त के बाद आपने देखा? अरे तुरंत शाम को फोन किया तो कह रहे वहाँ था नहीं, रास्ते में नासूर हो गया 2 साल पुराना। बताइए क्या इसका यहाँ पे आपने डॉक्टर से भी उसकी? अरे भदरी में सरफराज भाई ने वीडियो दिखाई हमको कि गौस भाई देखिए घोड़ा, अभी जैसे हमने सरफराज भाई घोड़ा दिलाया है भवानी सिंह से, तो दिलाया है तो उसमें मेरी
जिम्मेदारी है भाई। मैं जानता हूँ भवानी सिंह मुझसे झूठ बोल ही नहीं सकता सही, और वो मैं ही ले रहा था। लेकिन फिर हमने दिल में आया कि यार चलो मादरी घोड़ा सरफराज भाई पास टाइम नहीं है, एक उनको कह देते हो, जबकि ये लेवाल भी तो उसको उनकी बात भी चले, तो पैसे ऐसे कुछ मामला फंसा तो हमने बीच में पढ़ के वो कम करा दिए, उसने हमारी बात पे भवानी ने कम भी कर दिए। खैर वो घोड़ा 8 तारीख को आ भी जाएगा, सरफराज भाई जाके वहाँ ले आएंगे, वो ठीक भी बेहतर भी है। लेकिन जो है जब घोड़ा सरफराज भाई वीडियो दिखा, हमने भाई घोड़ा बहुत अच्छा है, कहेंगे भाई ले लो हमारे पास ज़्यादा, वाकई उनके पास उस टाइम बहुत ढेर घोड़े थे, तो हमने चलो फिर ले लेते। तो भजरी के मेले हम थे हम दोनों लोग, वहीं घोड़ा मंगवाया। जब घोड़ा आया तो उसके नासूर, सरफराज भाई भी खूब बोले कि यार नासूर था तो पहले बताना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जब तो फिर उसका किया क्या फिर उसको हमने के लिए तो बेकार हो गया बिल्कुल। वो बेकार क्या था, चालाल ठीक चलता था लेकिन उठान का थोड़ा कमजोर था। तो फिर इरफान को हमने घोड़ा दे दिया था तो 1.5 लाख रुपए का उन्हीं ने लिया था। तुरंत जो है हफ्ते भर के अंदर आपको? नहीं हफ्ता भर नहीं, दो तीन महीने मतलब उसको। हाँ ये 1.5 अरे उसमें हमारा 5-8 लाख रुपया डूबा, 50,000 किराया दिया था, 5-6 लाख रुपया डूबा है। और बहुत कोशिश किया था उसको हमने ठीक करने की, किला ठीक करने। अब उनको हम वीडियो भेज रहे हैं, वीडियो कॉल, ये देखिए भाई यहाँ पे नासूर है, 24 घंटे हुआ, कहीं यहाँ तो नहीं था, रास्ते में हो गया होगा। हमें बताओ घाव हो सकता है, नासूर हो जाएगा साला 24 घंटे में नासूर हो सकता है? और ऊपर सब बाल खाली, यहाँ पे एक गड्ढा अंदर और सब एकदम घाव सूखा हुआ। तो ये सब होता है, घोड़ा देखे अपनी नज़र से, अनजान लोगों से जब भी घोड़ा खरीदे बगैर देखे ना ले, दोस्तों यारों से खरीदे तो उनकी जबान पे ले ले, वो चीज़ फलती है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर भरोसे से ली जाए तो सही होता है, लेकिन भरोसा करे जिसको आप जाने पहचाने, जो आपकी इज्जत करता है मानता है, उससे लें, अनजान आदमी से बगैर घोड़ा देखे लेना। अच्छा आप मानते हैं कि जो है आपको घोड़ा वीडियो देख के जो घोड़ा आपने खरीदा आपका किसी तरह का फ्रॉड में धोखेबाजी हुई आपके साथ? भाई ये तो साफ साफ धोखा है भाई घोड़े की वीडियो देखी, बातचीत हुई रमजान से, रमजानी को बताना चाहिए था कि भाई इसके नासूर है, या देख नहीं पाए थे घोड़ा यहाँ ले आए थे, 50,000 काट लेते किराए के, वापस ले जाते घोड़ा, मेरा पैसा वापस भेजते भाई। धोखे अब दे दिया, यहाँ नहीं था वहाँ था, तो इसका यहाँ से कोई घोड़ा हम बेच दे, मान लिया सपोज हम कोई घोड़ा यहाँ से बेचें और बेचने के बाद वो चला जाए और उसके कोई कमी निकल आए, तो आदमी मुझे शिकायत करे कि भाई देखिए इसके कमी, तो मैं तो कहूँ भाई से तुरंत भेजिए अगर कमी है वापस। जब आप यहाँ देख के ले जाए, मैं या तो मैं बता दूँ कि भाई देखिए ये यहाँ पे नासूर है ये है, तो भाई इसमें मेरी थोड़ी गलती भी है, लेने वाला जाने, जब उसको सब मालूम है, सारी इल्म है हर चीज़ की, तो वो जाने। कुल मिला के आप मानते हैं कि उस घोड़े को खरीदने में बहुत बड़ा धोखा आपके साथ किया? हाँ और क्या भाई, वीडियो पे घोड़ा नहीं लेना चाहिए तो धोखा तो है ही है। ये देख ख्वाजा मोहम्मद गौस खान जिन्होंने एक बहुत ही शानदार घोड़ा मंगवाया मुझसे खरीद के, वो आ भी गया और जब घोड़ा देखा तो उस घोड़े के नासूर था, और उस घोड़े को खरीदने में इनका काफ़ी नुकसान भी हुआ और बहुत बड़ा धोखा भी हुआ। कहते इनका साफ कहना है कि वीडियो देखकर अमूमन घोड़े की सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।